तो शिवांगी जी आपसे मेरा पहला सवाल है, 3 बच्चों से 200 बच्चों तक पहुंचने का जो सफर है उस दौरान आपको क्या क्या मुश्किलें, क्या क्या परेशानी, क्या क्या सफलता प्राप्त हुई? एक दो इवेंट्स ऐसे हुए कि हमने एक दो लोगों से बोला कि आप अपने बच्चे को भेजिए हमारे पास पढ़ने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारा बच्चा तो 300 रुपए पर डे कमाता है, आप दोगे क्या? आपके यहाँ जाने से क्या 300 रुपए मिल जाएंगे हमको? अंकल थे उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा रिक्शे वाले का बच्चा रिक्शा ही वाला बनता है, तुम्हारे पढ़ा लेने से तुम कुछ बदलाव नहीं लेके आओगी, और तुमने जो भी शिक्षा ली है या जो भी तुमने किया है वो तुमने अपने माँ बाप के पूरे पैसे बर्बाद कर दिए, देखो कहाँ से पढ़ के आई थी, क्या कर रही हो, यही करना था तो यही रह के करती, क्यों गई थी? तो मैं आपके एनजीओ में 200 से ज्यादा बच्चे हैं, तो 200 से ज्यादा बच्चों का एनजीओ मैनेज करना, लीडरशिप और चीजों को अरेंज करना, तो इस सब में आपकी क्या चुनौतियां रही हैं? लोग कहते हैं कि मेरा एम है मैं 2 लाख बच्चों को पढ़ाऊं, 3 लाख बच्चों को पढ़ाऊं, या मैं बहुत ज्यादा कवर करूं, पर मेरा ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एम ये है कि हर बच्चे के पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। कोरोना के बीच के जो दौर था उस समय आपकी एनजीओ में क्लासेस कैसे हुआ करती थी या क्या समस्या आई उस समय? जैसे ही क्लासेस ओपन हुई आप मानेंगे नहीं, बच्चे खुद कॉल करते थे हमारी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, पेरेंट्स पूछ के जाते थे यहाँ पे। आपके एनजीओ का जो नाम है उसके पीछे क्या आइडिया रहा? कोई भी एनजीओ चलाने के लिए, कोई भी संस्थान चलाने के लिए फंडिंग और डोनेशन बहुत जरूरी होता है। आपने बताया कि आपके एनजीओ को रजिस्ट्रेशन प्राप्त है, तो कौन कौन से रजिस्ट्रेशन आपके एनजीओ को मिले हुए हैं और इस रजिस्ट्रेशन का क्या क्या बेनिफिट होता है एक एनजीओ को और एनजीओ से जुड़ने वाले लोगों को भी? बेनिफिट्स ये होते हैं कि अगर कोई भी डोनेट कर रहे हैं एनजीओ में तो उसको टैक्स रिबेट जो है मिल जाता है। कॉलेजों में ऐसा बोला जाता है कि आपको इंटर्न करनी है किसी एनजीओ से, तो आपको तो एनजीओ रजिस्टर्ड है, उसके साथ साथ वो कैसे क्या इंटर्न कर सकते हैं? लगातार मोटिवेट रहने के लिए क्या वो स्ट्रेटेजी है, क्या वो चीज है जो आपको अभी तक मोटिवेट कर रही है और आगे भी कर रखी है? बहुत छोटा है मेरी एनजीओ वाली आपको मोटिवेशन देता है। आप मेंटल हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, आप बिल्कुल अपने बच्चे पे कोई प्रेशर मत डालिए मार्क्स का, इसका उसका। नो डाउट अगर वो मक्कारी कर रहा है तो आप बिल्कुल उसे डांटिए पर समझा के। पिछले 4 वर्षों से आपके एनजीओ जो चल रहा है लगातार, उसमें आप सबसे बड़ा रिवॉर्ड, सबसे बड़ी सफलता क्या मानते हैं? सबसे अच्छा रिवॉर्ड यही है कि 200 बच्चे सीरियस हो गए अपनी पढ़ाई के लिए। आपकी टीम की और आपकी क्या प्लानिंग है आगे आने वाले समय में, क्योंकि आपने जैसे मुझे शुरुआत में बताया कि आपका कभी भी सिलेक्शन हो सकता है और कभी भी आपकी शादी हो सकती है, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, तो क्या एक प्लानिंग रखी है एनजीओ को कंटिन्यू रखने के लिए?